कनकटी सूरबली सिंह में बन सकता है मां पाटेश्वरी विश्वविद्यालय। जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार ने स्थलीय निरीक्षण कर लिया जायजा, दिया आवश्यक दिशा निर्देश। जी हां दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय त्रिपाठी, 10 इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर जो बलरामपुर और गोंडा जिले में खींचतान चल रही है, अब उस पर विराम लग गया है। राज्य सरकार की ओर से पहले से ही सूबे में देवीपाटन मंडल में ही विश्वविद्यालय की मंजूरी दी जा चुकी है। अब मंडल के साथ गोंडा जिला के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार भी इस विद्यालय की स्थापना को लेकर क्वायद तेज कर दी है, ताकि गोंडा जिले में माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके। बीते दिनों दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी ने विश्वविद्यालय के नाम की घोषणा कर दी थी। अभी हाल में ही बलरामपुर और गोंडा जिले के दौरे पर आए प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने यह कहकर विराम लगाने की कोशिश की कि गोंडा जिले में ही बनेगा विश्वविद्यालय। माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय को लेकर यहाँ के जिला प्रशासन की ओर से भूमि चिन्हांकन को लेकर गोंडा जिला के जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार, सदर तहसीलदार अखिलेश कुमार, राजस्व महकमा के साथ जिले के मुजैना ब्लॉक के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनकटी सूरबली सिंह के पास ही एक मजरा मगरी पुरवा है, जहां पर सीलिंग की 390 बीघे जमीन खाली पड़ी है। इसी जमीन की स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुँचे थे जिलाधिकारी, ताकि यहीं पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जा सके। जिलाधिकारी ने यहां से गोंडा और फैजाबाद जिले को जोड़ने वाली सड़कों और मार्गों का अवलोकन भी किया, ताकि यहां तक पहुंचने के लिए सड़क और मार्ग को सुलभ बनाया जा सके। लेखपाल सुरजन लाल ने बताया कि यहां पर 390 बीघे जमीन सीलिंग की पड़ी हुई है। राजस्व निरीक्षक तुलाराम के साथ वर्तमान प्रधान, पूर्व प्रधान और राजस्व महकमे के अधिकारियों के साथ प्रभारी निरीक्षक मोतीगंज प्रबोध कुमार भी सुरक्षा व्यवस्था में साथ मौजूद रहे।